वेलकम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मूड इन इंग्लिश लैंग्वेज। मूड क्या होता है? मूड हमारे बात करने के तरीके से समझ में आता है कि हम किस मूड में बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कीजिए, हमें कभी किसी से कुछ कहना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम एक ही मूड में उससे बात करेंगे। ठीक है, अगर हमें किसी को कुछ समझाना हो तो ज़रूरी नहीं है हम एक ही मूड में उससे बात करेंगे। कभी हम उसे समझा कर कह सकते हैं, कभी हम उसे डांट कर कह सकते हैं, कभी उसे ऑर्डर देकर कह सकते हैं, कभी उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या कभी हम उससे सवाल कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीका होता है हमारे बात करने का, वो हमारे सेंटेंस में हमारे मूड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह मूड जो है वो इंग्लिश ग्रामर में भी एक टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में जो टॉपिक होता है मूड इन इंग्लिश ग्रामर, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, मुझे किसी से कुछ कहना है। जैसे अगर मैं किसी से कह रही हूँ, डू योर वर्क टुडे इटसेल्फ, आज के आज तुम्हें ये काम करना है, तो यहाँ पर मैं सामने वाले से रिक्वेस्ट नहीं कर रही, उसको ऑर्डर दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे वर्ब का मूड जो है सेंटेंस में वर्ब इंडिकेट करता है। ये मूड डिपेंड करता है किस पर? वर्ब पर। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में मैंने जो कहा डू योर वर्क टुडे इटसेल्फ, इस सेंटेंस में मैंने किस मूड को इंडिकेट किया? ऑर्डर वाले मूड को इंडिकेट किया। अगर मैं कहती हूँ प्लीज़ डू दिस फॉर मी, मेरे लिए ये प्लीज़ कर दो, तो यहाँ पर मेरे मूड में आप देखेंगे ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है। तो ये किस मूड को इंडिकेट कर रहा है? रिक्वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने ना उसको ऑर्डर दिया ना उसको रिक्वेस्ट की, मैंने उसे सवाल किया, क्या किया, क्या तुम ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यू हैव टू डू दिस, अगर मैं कहती हूँ यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सामने वाले को सजेशन दिया। ठीक है, तो इसी तरह मैं जब हम सेंटेंस में अपनी बात अलग अलग तरीके से रखते हैं, तो उस सेंटेंस का वर्ब उस सेंटेंस को अलग तरीके से उस मूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि मूड कौन कौन, मूड क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में, और मूड के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिकेटिव मूड। ठीक है, उसके बाद है इम्पेरेटिव मूड, उसके बाद है इंटेरोगेटिव मूड, एंड द लास्ट वन इज सब्जंक्टिव मूड। लेट मी रिपीट अगेन, इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड, इंटेरोगेटिव मूड एंड सब्जंक्टिव मूड, दीज आर द फोर मूड्स विच इन इंग्लिश ग्रामर विच वी आर गोइंग टू लर्न टूडे। आज हम ये चार मूड देखने वाले हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिकेटिव मूड। अब इंडिकेटिव मूड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अगर हम सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट देते हैं या फैक्ट बताते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई फैक्ट बताते हैं, तो उस वक्त हमारे वर्ब का मूड क्या होगा? इंडिकेटिव मूड होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं एक ही तरह के मूड में नहीं बात करती, मैं कभी कोई रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सामने वाले से, मैं कभी ऑर्डर दे सकती हूँ, या मैं उसको सजेशन दे सकती हूँ, या उसे सवाल कर सकती हूँ। तो ये मेरे बात करने का अलग अलग तरीका अलग अलग मूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मेरे बात करने का अलग अलग तरीका अलग अलग मूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इंडिकेटिव मूड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? स्टेटमेंट और फैक्ट। अगर मैं अपने सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट या फैक्ट देती हूँ, तो सेंटेंस का वर्ब कौन सा मूड रिप्रेजेंट करेगा? इंडिकेटिव मूड रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल ऑन टाइम, वो स्कूल टाइम पर जाती हैं, शी गोज टू स्कूल ऑन टाइम। नाउ हियर मैंने एक फैक्ट बताया या स्टेटमेंट दिया। ठीक है, आई क्लीन माई रूम एवरी डे, मैं अपना रूम रोज़ाना क्लीन करती हूँ। यहाँ पर ये असर्टिव सेंटेंस है, यानी मैंने यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट दिया। तो इस सेंटेंस में जो मेरे वर्ब है जैसे गो, क्लीन, ये किस मूड को इंडिकेट करेंगे, किस मूड को रिप्रेजेंट करेंगे? इंडिकेटिव मूड। ठीक है, इस सेंटेंस में मेरा वर्ब का मूड क्या है? इंडिकेटिव मूड है। ठीक है, क्यों इंडिकेटिव मूड है? क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने सिंपल स्टेटमेंट या फैक्ट दिया। ठीक है, मेरे वर्ब कौन सा है सेंटेंस में? गोज है और क्लीन है। ठीक है, तो ये दोनों का मूड क्या है? इंडिकेटिव मूड है। क्यों इंडिकेटिव मूड है? क्योंकि मैंने इस सेंटेंस में स्टेटमेंट और फैक्ट बताया। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस है जिसमें मैंने स्टेटमेंट दिया है, सिंपल स्टेटमेंट, दैट्स वाई मैंने सिंपल स्टेटमेंट दिया है, इसीलिए मेरे वर्ब का मूड इंडिकेटिव मूड है। ठीक है, ये तो सिंपल था इंडिकेटिव मूड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मूड, दैट इज इम्पेरेटिव मूड। ओके, नेक्स्ट वी हैव इम्पेरेटिव मूड। ओके, अब इम्पेरेटिव मूड कब होता है? जब हमारे सेंटेंस में कोई कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट,
जब हम हमारे सेंटेंस में कोई ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट देते हैं, तो ऐसे वक्त में हमारे वर्ब का मूड क्या होता है? इम्पेरेटिव मूड होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्लीन योर रूम। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? ऑर्डर दिया। मैंने ऑर्डर या कमांड दिया कि मैंने क्या कहा? क्लीन योर रूम। मैंने यहाँ पर ऑर्डर या कमांड दिया, इसलिए मेरा वर्ब जो है क्लीन है, उसका मूड क्या हो गया? इम्पेरेटिव मूड होगा। क्यों इम्पेरेटिव मूड हुआ? क्योंकि मैंने इस सेंटेंस में कमांड या ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव, प्लीज़ डू दिस फॉर मी, मेरे लिए प्लीज़ ये कर दो। अब यहाँ पर मैंने सेंटेंस में क्या किया? रिक्वेस्ट की। ठीक है, रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आ रहा है, मतलब मैंने रिक्वेस्ट की। तो रिक्वेस्ट मैंने क्या की कि डू दिस फॉर मी। तो अब सेंटेंस में रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मतलब ये मेरा वर्ब का मूड क्या है? मेरे वर्ब का मूड है इम्पेरेटिव मूड। ठीक है, इन दो सेंटेंसेस में जो वर्ब है क्लीन और प्लीज़, उनका मूड क्या है? इम्पेरेटिव मूड है। क्यों इम्पेरेटिव मूड है? क्योंकि इन सेंटेंसेस में मैंने कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट का यूज़ किया है। ठीक है, इन सेंटेंसेस में मैंने कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट का यूज़ किया है, इसलिए मेरे इस वर्ब का मूड इम्पेरेटिव मूड है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट मूड। सो नेक्स्ट वी हैव इंटेरोगेटिव मूड। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मूड एवर। हमारे पास बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का। इंटेरोगेशन का मतलब होता है सवाल करना। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव मूड कब होता है? जब हम सेंटेंस में सवाल करते हैं। व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस इन द सेंटेंस, दैट टाइम द मूड ऑफ द वर्ब विल बी इंटेरोगेटिव मूड। ठीक है, जब हम सेंटेंस में कोई सवाल करते हैं, तो उस वक्त हमारे वर्ब का मूड इंटेरोगेटिव मूड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो लेट मी से वन एग्जाम्पल। विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे? तो यहाँ पर मेरा जो वर्ब है कम, उसका मूड क्या होगा? इंटेरोगेटिव मूड होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस सेंटेंस में सवाल किया है। ठीक है, तो वेन एवर वी आस्क क्वेश्चन इन अ सेंटेंस, द मूड ऑफ वर्ब विल बी इंटेरोगेटिव मूड। ठीक है, जब हम सेंटेंस में सवाल करते हैं, तो उस वक्त हमारे वर्ब का मूड इंटेरोगेटिव मूड होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड, दिस इज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कभी कभी लोगों को। जब हम सेंटेंस में कोई चीज़ सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं या इंसिस्ट करते हैं। ठीक है, जब हम सेंटेंस में सजेस्ट करते हैं कुछ, रिकमेंड करते हैं कुछ या इंसिस्ट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा वर्ब सब्जंक्टिव मूड में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सजेस्ट दैट राज अटेंड द मीटिंग। मैंने क्या सजेस्ट किया? कि राज को मीटिंग अटेंड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने सजेशन दिया, इसलिए मेरा वर्ब क्या होगा? सब्जंक्टिव होगा। अब यहाँ पर ध्यान में रखने की बात यह है कि सारे मूड में इकलौता एक ऐसा सब्जंक्टिव मूड है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पता होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कि अगर ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ आने वाले वर्ब के साथ हम एस ऐड करते हैं। जैसे शी राइट्स, शी ईट्स, ही कुक्स। यहाँ पर मैंने क्या किया? सब्जेक्ट के साथ आने वाले, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाले वर्ब के साथ मैंने एस ऐड किया। ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो ये वाला मूड फॉलो नहीं करता। सारे मूड फॉलो कर लेंगे इस रूल को, लेकिन ये इकलौता ऐसा मूड है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता। ठीक है, देयर इज़ एन एक्सेप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है मेरे पास राज, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुझे यहाँ पर वर्ब के साथ एस लगाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर वर्ब के साथ एस नहीं लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव मूड में आ रहा है और सब्जेक्टिव मूड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और एक एक्सेप्शन होती है इसमें, ये इस चीज़ को फॉलो करता है, जैसे सपोजिशन विच इज़ अनरियल, ऐसी चीज़, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। आई विश इफ इट कुड बी मंडे आई कुड अटेंड द पार्टी, अगर आज मंडे होता तो मैं पार्टी अटेंड करती, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन को भी ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सपोजिशन विच इज़ अनरियल, ठीक है, इस चीज़ को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो आज हमने देखा मूड्स इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, आज हमने क्या देखा? मूड्स इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर, हमने कौन कौन से मूड देखे? इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड, इंटेरोगेटिव मूड,
एंड सब्जंक्टिव मूड. इंडिकेटिव मूड में हमने क्या देखा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंडिकेटिव मूड रिप्रेजेंट स्टेटमेंट और फैक्ट. और इम्पेरेटिव मूड में हमने देखा कि इम्पेरेटिव मूड में क्या होता है, व्हेन वी गिव कमांड ऑर्डर और सजेशन. फिर हमने देखा इंटरोगेटिव मूड जिसमें हम सवाल करते हैं, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन. फिर हमने देखा सब्जंक्टिव मूड जिसमें हम सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं और इंसिस्ट करते हैं. ठीक है, दीज आर द फोर मूड्स इन इंग्लिश ग्रामर विच वी हैव लर्न टुडे. होप दिस विल बी हेल्पफुल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.